गुरुग्राम में शुक्रवार को खुले में नमाज पढ़ने को लेकर मुस्लिम भाइयों को लगातार हिंदू संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नमाज पढ़ने वालों का कहना है कि कभी हिंदू संगठन धार्मिक नारे लगाते हैं तो कभी नमाज वाली जगह पर गोबर के उपले डाल देते हैं, जिसके कुछ वीडियोस भी सामने आ चुके हैं, जिसमें नमाज के दौरान हिंदू संगठन के लोग धार्मिक नारेबाजी करते नजर आए हैं। अब इन सब के बीच सिख समुदायों ने मुस्लिम भाइयों को गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने का ऑफर दिया है। इतना ही नहीं, इसे देखते हुए गुरुग्राम के तमाम हिंदुओं ने भी जुम्मे की नमाज के लिए अपनी जगह देने की बात कही है। तो वहीं सिख कह रहे हैं कि गुरुद्वारे में आकर मुस्लिम भाई नमाज पढ़े। गुरुग्राम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख शेरदिल सिद्धू ने मुफ्ती सलीम को गुरुग्राम सदर बाजार का गुरुद्वारा दिखाया। इस शुक्रवार को इस गुरुद्वारे में गुरुवाणी के साथ में अजान भी होगी और जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी। सिद्धू का कहना है कि इस बार शुक्रवार को अगर खुले में नमाज को लेकर मुसलमानों का हिंदू संगठन विरोध करें तो मुस्लिम भाई गुरुद्वारे में आकर नमाज पढ़े। शेरदिल सिद्धू कहते हैं कि हम तो देश बचा रहे हैं, गुरुद्वारा सबके लिए खुला है। गुरु नानक के साथ भी एक मुसलमान भाई रहते थे, मुसलमान भाइयों ने इस देश को बचाने के लिए अपनी जान दी है। गुरुग्राम के सेक्टर 12 के अक्षय यादव ने अपनी 100 गज की दुकान मुस्लिम समुदाय को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए दी है। अक्षय कहते हैं कि मैं किसी भी हाल में गुरुग्राम को टूटने नहीं दूंगा, मुसलमान चाहें तो उनके घर के आंगन में आकर भी नमाज पढ़ सकते हैं। पिछले कई हफ्तों से शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए जगह तलाशते घूम रहे मुफ्ती सलीम अब संतुष्ट है। उनका कहना है कि इस बार उन्हें जुम्मे की नमाज की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तमाम हिंदू और सिख उन्हें जगह देने को तैयार हैं। गुरुग्राम के मुफ्ती सलीम कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि सिद्धू साहब जैसे लोग सामने आए, बस चंद लोग हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।